नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा व्यवस्था में अब 10+2 सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर 5+3+3+4 सिस्टम को लाया जाएगा। आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि आखिर ये 5+3+3+4 सिस्टम है क्या, क्योंकि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से आपके और आपके परिवार को कहीं ना कहीं असर जरूर डालेगी। इस पूरे सिस्टम को मैं अभी इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप किसी भी खबर को मिस ना करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें। दोस्तों, पहले हमारी शिक्षा 10+2 पर चलती थी और इस सिस्टम से ही होकर हम सब लोग गुजरे हैं, जिसमें हम कक्षा 10 तक पढ़ने के बाद सब्जेक्ट चूज करने की आजादी रखते थे। लेकिन अब बदलते समय के साथ साथ सिस्टम को भी बदल दिया गया है और अब नई एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 फॉर्मूले को अपनाया गया है। आइए हम आपको बता देते हैं कि ये सिस्टम है क्या। एक्चुअली इस सिस्टम में 4 मुख्य स्टेज है। नंबर 1 पर फाउंडेशन स्टेज है, नंबर 2 पर प्रिपरेशन स्टेज है, नंबर 3 पर मिडिल स्टेज और सबसे लास्ट में सेकेंडरी स्टेज आती है। अब मैं आपको इन सभी स्टेज को डिटेल में बताता हूं। नंबर 1 पर फाउंडेशन स्टेज, पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 व 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 साल की पढ़ाइयों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक्टिव आधारित शिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर किए जाएंगे। इस व्यवस्था को पूर्ण होने में 5 साल लगेंगे। नंबर 2 पर आता है प्रिपरेशन स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौर में प्रयोग के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई करी जाएगी। 8 से 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चे इसमें कवर किए जाएंगे। नंबर 3 पर आती है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू कर दिया जाएगा। और नंबर लास्ट में आती है सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा, साथ ही साथ बच्चों को विषय चुनने की भी आजादी दी जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से बच्चों में भाषा का विकास होने के साथ साथ सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज भी होगी। इस व्यवस्था के द्वारा एक अध्यापक भी अपने विद्यार्थियों पर पूर्ण रूप से ध्यान दे पाएगा, जिससे बच्चों का पूर्ण विकास होगा। इस शिक्षा व्यवस्था में सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। साथ ही अभी तक जो खामियां हमारी शिक्षा प्रणाली में देखी गई हैं, उन सबको भी पूरा करने की कोशिश की गई है। इस शिक्षा व्यवस्था के लागू होने से बच्चे का संपूर्ण विकास होना संभव माना जा रहा है। फिलहाल इस व्यवस्था में जो 4 स्टेजेस आई हैं, उनमें बच्चे को भाषा के साथ साथ सभी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज भी दी जाएगी। इस पे जो भी और अपडेट आती है वो मैं अपने चैनल पे आपको जरूर दिखाऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।